पहले पैनल बैठा होता है हम जाते हैं एक वकील जाता है एक है, एक, एक अक्यूज़ के लिए एक ही वकील एक से ज़्यादा वो अलाउ ही नहीं करते तो एक बंदा जाता है अंदर वो अक्यूज़ को लेकर आते हैं दूसरी तरफ अच्छा। से अक्यूज़ को इस तरह लाते हैं कि मुंह पे कपड़ा होता है काला हाथ जो है वो हैंड कफ से पीछे बंधे होते हैं अच्छा। तो फिर जैसे ही कोर्ट में लाने लगते हैं तो वो कपड़ा उतार देते हैं हैंडकफ्स भी खोल देते हैं फिर आके उसको कोर्ट में बैठाते हैं मैंने तो बल्कि एक दफ़ा ना ऑफ द रिकॉर्ड ये भी पूछ लिया था कि भाई जो एफ आई आर में नामजद लोग हैं जो सारे पी टी आई के लीडर्स हैं मैंने कहा उनका मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्या हो गया? अब कैसे बिहेव करते हैं वो जो अकेले हैं जो वो तो बिल्कुल कहते हैं कि हमें या तो मार दो या बस हमें अंदर ही खत्म कर दो हमारे कुछ कर दो केस का कुछ कर दो हमें इस अजियत से निकालो कान तुमने तो हो क्या क्या कहते हैं उसने मुझे ये कहा कहता है मैंने दो ढाई महीने के बाद ना अपनी चेहरा जब पहली दफ़ा शीशे में देखा था तो मुझे रोना आ गया कि ये मैं उन्होंने बख्शा किसी को भी नहीं है अच्छा। इन्होंने चाहे वो सिविलियन हो चाहे इनका अपना रिटायर्ड ऑफिसर हो इन्होंने किसी को नहीं बख्शा पठान था उसने कहा मैं दूंगा इन कन्फेशन तो फिर उन्होंने उसको वाटर बोर्डिंग एक बड़ा घनोना एक होता है टॉर्चर टेक्निक के वो आपको लटाते हैं आपके मुंह पे कपड़ा होता है और गर्म या ठंडा पानी आपके ऊपर डालते हैं ताकि आपकी गैगिंग होए और आप सफोकेट करके मरो तो उसके साथ कहते हैं के कि मेरे ऊपर तो वो पानी डालते गए फिर मैंने जाके और उसके बाद फिर वो कहते हैं मेरे नाखून निकालने वाली जब वो लेकर आए इन लोगों से ये निकलवाना क्या चाह रहे तो खैर सोशल मीडिया पर मौजूद है और सकता तो है इसके बारे में हसान न्याजी ने कभी बातचीत की है वो वर्दी कैसे उन तक पहुंची थी बिल्कुल दिखाई है ये आज भी फैमिलीज रोती हैं कि हमें पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं पूछा हमें किसी ने आके नहीं पूछा

थ्रेट वगैरह आते रहते हैं कोई धमकी वगैरह मिलती रहती है आपको वैसे डायरेक्टली तो इस तरह कोई धमकी नहीं अभी तक मिली लेकिन हुँ. ये है कि ऑबियसली एक प्रेशर होता है लेकिन जो मेरा मिलिट्री कोर्ट्स का था जब मैं जाती थी और वो तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ठीक था बिकॉज मुझे वहाँ पर बड़े रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया बहुत ऑनर के साथ जो है वहाँ पर डील किया गया क्योंकि मैं वहाँ वाद फ़ीमेल थी जो जाती थी मिलिट्री कोर्ट्स में तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ठीक था ठीक था अच्छा पहले हमें समझाए मिलिट्री कोर्ट्स कैसे होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं दरवाजा खुलता है शीशे लगे हुए बड़ा अच्छा माहौल है मिलिट्री कोर्ट्स आप गेट से अंदर हो गए आगे क्या माहौल है मिलिट्री कोर्ट्स मेरा ख़ुद पहला एक्सपीरियंस था और वाकई में बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस hmm. था बिकॉज हम तो अदालतों में जाने के आदि हैं हमें आधातर है अदालतों में जाएंगे जजेस बैठे होंगे अमला hmm. होगा जज का जो है क्या कहते हैं एक साइड पे रीडर होगा एक साइड पे स्टेनोग्राफ़र होगा एहलकार होगा hmm. जो आवाज़ें मारेगा केस कॉल होएगा इस तरह का को कोई सीन वहाँ पर नहीं है ऐसे है कि हम जब जाते हैं अंदर तो ओबियसली वहाँ पर एक छोटा सा जो है ना वो कमरा होता है उसमें एक पैनल बैठा होता है अच्छा। उस पैनल में एक होता है लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का प्रेसिडेंट जो प्रिजाइड करते हैं पूरी कोर्ट को और एक होता है जैक डिपार्टमेंट का मेंबर जैक डिपार्टमेंट इज़ द लीगल डिपार्टमेंट अच्छा। जो उनको गाइड करता रहता है कि लॉ ये कहते हैं लॉ ये इस तरह सारा है और उसके अलावा दो मेजर्स होते हैं मेजर लेवल के जो दो साइड से बैठे होते हैं वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि मतलब जो हो रहा है वो उसको लिखेंगे हाथ से कोई कंप्यूटर ऑपरेटेड नहीं कुछ भी नहीं जो जो उनको समझ आ रहा है एज अ ले मैन वो हाथ हाँ से उसको पेन से लिख रहे होंगे या पेंसिल उन्होंने पकड़ी होगी वो उससे लिख रहे सब में होते हैं। एक उर्दू में और एक इंग्लिश में जी बिल्कुल ये सब वर्दियों में होते हैं मेरे लिए सबसे पहला जो था ना वो शौक यही था बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सारे हम सिर्फ वकील जो है वो ब्लैक एंड वाइट में होंगे और बाकी सारे वर्दियों में होंगे बस पहला हमारा पहला जो एतराज है वो मिलिट्री कोर्ट पे है ही है ना कि भाई जब आर्टिकल 175 सेवेंटी फाइव थ्री वेरी क्लियरली कह देता है कि जी जुडिश्री और एग्जेक्टिव सेपरेट हैं हाँ। तो फिर हमारे सिविलियंस के ट्रायल्स कैसे फौजी बैठ के कर सकते हैं तो पहले हमारा ये था तो आ, इसी तरह हम लोगों ने जब जाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता एक थोड़े अकस्टम हुए कि भाई इस तरह ही इनका सिस्टम चलना है और हमने जो भी लॉ पे एतराज उठाने के जी कानून शहादत ये कहती है ये एविडेंस इस तरह आएगी वो आपके साथ जाता है मुलिम इस तरह होता है कि वो पहले पैनल बैठा होता है हम जाते हैं एक वकील जाता है एक है, एक, एक अक्यूज़ के लिए एक ही वकील एक से ज़्यादा वो अलाउ ही नहीं करते तो एक बंदा जाता है अंदर वो अक्यूज़ को लेकर आते हैं दूसरी अच्छा, तरफ से अक्यूज़ को इस तरह लाते हैं कि मुँह पे कपड़ा होता है काला हाथ जो है वो हैंडक से पीछे बंधे होते हैं अच्छा, तो फिर जैसे ही कोर्ट में लाने लगते हैं तो वो कपड़ा उतार देते हैं हैंडकफ्स भी खोल देते हैं फिर आके उसको कोर्ट में बैठाते हैं अक्यूज़ के साथ एक फ्रेंड ऑफ अक्यूज भी होता है फ्रेंड ऑफ अक्यूज भी एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी जो अक्यूज है उसकी हेल्प के लिए कि किलेट से आर्मी ट्रायल्स हो मिलिट्री ट्रायल्स हो हाँ. ऐसे भी होते हैं ना कि उनके पास कभी कभार काउंसिल की वो हो ही होती नहीं है जी डिफेंस काउंसिल उनको इजाज़त ही नहीं मिलती कि हाँ. वो डिफेंस काउंसिल इंगेज करें तो फिर उनको क्या मिलता है आर्मी का ही हाँ. एक मेजर लेवल का एक बंदा जो उनको गाइड करता है कि तुमने ये बोलना है ये कहना है ये डिफेंस लेना है तो आप ये सोचें कि वकील नहीं है हैं

फ्रेंड ऑफ अक्यूज इस तरह है कि अगर मैंने भी उससे कुछ पूछना है कि मिलिट्री लॉ का थोड़ा बहुत उसको आइडिया होता है कि ये कहता है नहीं कहता उससे पूछना है कुछ या उसने कुछ गाइड करना है तो वो अपनी तरफ से कर देता है और सामने जो है हमारे बैठे होते हैं प्रोसिक्यूटर जो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स के लिए प्रोसिक्यूटर इंगेज किया हुआ था प्राइवेटली और वो बैठे हुए थे और एक और प्रोसिक्यूटर था जो कि एक मेजर मेजर था मेजर लेवल का था आ, ये सारा डिकोरम था कोर्ट का इसके बाद वो अपना जो है ओथ लेते हैं पहले हुँ. उनका बड़ा एक स्ट्रिक्ट किस्म का ओथ होता है वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट और फिर वो स्टार्ट कर देते हैं प्रिजाइड करने शुरू कर देते हैं कोर्ट उसी तरह ही वो चार्ज पड़ेंगे पहले कि ये चार्ज है इसके ऊपर हाँ. और ये हमने इसे गिल्टी प्ली या नॉट गिल्टी प्ली ले लिया है पहले से ही ठीक है। अब हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं हाँ. तो मेरा तो सबसे पहले यही था ऑब्जेक्शन के काउंसिल के बग़ैर आपने गिल्टी प्ली या नॉट गिल्टी प्ली कैसे ले लिया पहले से डिसाइड कर लिया पहले से ही हो गया हुआ था ये और बाद में काउंसिल इंगेज हुई हाँ। लेकिन उनका बहर हाल उनका लॉ जो है वो बहुत डिफरेंट है मैंने भी फिर जब सारा उनका मिलिट्री लॉज उनके रूल्स पढ़ने वो इतना वास्ट है मतलब उसमें एक लेमैन पर्सपेक्टिव से जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे एविडेंस आ सकती है अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर uh, को लग रहा होगा वो कुछ भी आने दे सकता है तो मतलब उनका ना बेसिकली लेमैन पर्सपेक्टिव नहीं होता कि बस uh, कर दो जैसे लग रहा है ठीक कर दे कन्विक्शन तो ही करनी है ना उसको कर दो होते हैं एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं कि भाई ये हमें ना लाइक like, जिस तरह

गुजरते हुए ही पकड़े गए बेचारे उधर जियो फेंसिंग के तहत कुछ ऐसे हैं जो वीडियोस जिनकी आ गई वो लोगों को कह रहे थे आए यहाँ एहतजाज करें हम कोर कमांडर हाउस के आगे एहतजाज करें कुछ ऐसे लोग थे कुछ ऐसे लोग थे जो अंदर भी गए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई एक्चुअली में रोल नहीं था वो सिर्फ जो है ना उधर से गुजर रहे थे उनको भी पकड़ लिया तो मतलब उन्होंने ना बेसिकली अब देखें अगर कोर कमांडर हाउस के आगे दस हज़ार लोग थे जो हाँ। कर रहे थे तो इन्होंने कैसे एक सौ पाँच लोगों को आर्बिट्रेली सिलेक्ट करके पिक एंड चूज़ करके इन्होंने मिलिट्री ट्रायल में ले गए जबकि बाकी सब के ट्रायल्स सिविल कोर्ट्स में हो रहे हैं हमारे एंटी टेरिज्म कोर्ट में हो रहे हैं तो मेरा तो बुनियादी यही है कि भाई आपने किन बेसिस पे किया एटलीस्ट हमें ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ये क्लैरिटी इसका कोई जवाब ही नहीं है मैंने तो बल्कि एक दफ़ा ना ऑफ़ द रिकॉर्ड ये भी पूछ लिया था कि भाई जो एफ आई आर में नामजद लोग हैं जो सारे पी टी आई के लीडर्स हैं मैंने कहा उनका मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा हाँ। तो उन्होंने कहा इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है बिकॉज अच्छा। इसका एक्चुअली में कोई जवाब नहीं है क्योंकि जो बेचारे गरीब घरानों के लोग थे या जिनको उन्होंने एग्जाम्पल सेट करना था जिसकी वीडियो आ गई उसको पकड़ लिया और उसको सेग्रीगेट करके तो मैंने कहा या तो फिर आप इक्वालिटी रखें ना डिस्क्रिमिनेट ना करें सबके फिर मिलिट्री ट्रायल्स करें या फिर सबके सिविलियंस के ट्रायल्स हाँ। करें ये तो नहीं होना चाहिए अच्छा ये आप ये कह हो कि इंटेंशनली पिक एंड चूज़ किया गया पिक एंड चूज किया गया बिकॉज देखें ना एक लोग हैं एक लोगों को कैसे उन्होंने चूज़ uh, किया किसी की वीडियो आ गई किसी को हमें ये हमें ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जो इन्होंने लिस्ट दी सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये 105 लोग हमारी हिरासत में हैं उसमें भी कुछ क्लियर नहीं है उसमें सिर्फ लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि जी ये हमारी हिरासत में है कोई एविडेंस नहीं कोर्ट ने अभी तक समन किया या जो बीस लोग इन्होंने छोड़े हैं उसकी भी कोई जजमेंट्स नहीं सीख अभी तक कोर्ट में सबमिट हुई जबकि ये उठाया गया बार काफ़ी दफ़ा कोर्ट में जजेस ने उठाया ये सवाल कि बीस जजमेंट्स हमें सबमिट करें लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जजमेंट एक भी जजमेंट नहीं दी क्योंकि होगी नहीं ऑब्वियसली तीन चार लाइनों की उनका एक ऑर्डर होगा कि जी इसको सज़ा इतनी हमने एक साल की दे दी है इसके अलावा को नहीं अच्छा अब मजीद अब इसको समझते हैं आप बैरक्स वगैरह आपने देखिए जहाँ पर मिलिट्री ट्रायल के इन कैदियों को रखा जाता है नहीं वहाँ तक मेरी रसाई नहीं थी लेकिन नहीं। जो अंदर हमारे क्लाइंट्स बताते थे वो यही थे कि छोटे छोटे छुट सात बाय नौ के जो है ना सेल्स हैं हाँ। और लाहौर में ये है कि दो दो को इकट्ठे रखा हुआ है अच्छा। लेकिन जो बाकी शहरों में है जिसमें फैसलाबाद के जो हमारे लोगों से रबते हुए वो कहते हैं कि सॉलिट्री कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है पिछले पंद्रह माह से और आप सोचें सॉलिट्री कन्फाइनमेंट इन इट सेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉर्चर ये एक जहनी अजियत आपको ये मरीज़ बना देता है वो बेचारी ख़्वीन यही कहती हैं कि हमारे खामिद कहते हैं कि हम जहनी तौर तो पर ख़त्म हो चुके हो हैं पी टी एस डी के शिकार हो, हो चुके हैं पोस्ट नोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए उनको जब वो जब भी बाहर आएंगे तो आई थिंक उनकी प्रॉपर काउंसिलिंग रिहेबिलिटेशन उनकी री इंटेग्रेशन के लिए सोसाइटी

तो फिर जब हमारा रबता हुआ तो उन्होंने कहा कि लाहौर वाले तो हर हफ्ते मिलते हैं हमारा तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है तो फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया हुआ है कि आपने वीकली इनकी फ़ैमिली से मीटिंग्स इंश्योर करनी है तो इनकी क्यों नहीं हो रही तो फिर जैक डिपार्टमेंट से बुलवाया जी से रिपोर्ट आई उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इंश्योर करेंगे कि एवरी वीक हो तो अब उनकी भी एवरी वीक मीटिंग्स होती हैं फैसला बात लाहौर में तो कैंटफल एरिया में है और इधर इस्लामा में ये मुझे आइडिया नहीं मेरे इस्लामा वालों के साथ रबता नहीं है लेकिन आपकी लास्ट मुलाकात करें हसान अब तो उनके जो यूनिट्स हैं आपको पता है चेंज होते रहते हैं हाँ। तो स्ट्रिक्टनेस मज़ीद बढ़ गई हुई है पहले थोड़ी सी ज़रा आसानी थी जाने में एज लॉयर्स तो हम जाते थे ड्यूरिंग ट्रायल उसमें तो कभी मसला नहीं हुआ लेकिन उसके बाद मुलाकात के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली कर दिया है कि सिर्फ़ जो है ना ब्लड रिलेशन मिल सकते हैं माँ बाप और बहन भाई उसके अलावा कोई नहीं मिल सकता तो आखिरी मेरी मुलाकात दो ढाई महीने पहले हुई थी और वही बात है कि अब इन्होंने थोड़ी सी लेवरेज इस तरीके से दे दिया है कि एक टाइम का खाना इनको अलाउ कर देते हैं

वेट लूज oh. किया था और ये मुझे उसने खुद बताया और देखने में तो वो बहुत ही वीक था ना बिल्कुल जैसा स्केलेटल फॉर्म नहीं होती ढांचे के फॉर्म में लग रहा था बिल्कुल कि मैंने कहा तुम तुमने हो क्या क्या कहते हैं उसने मुझे ये कहा कहता है मैंने दो ढाई महीने के बाद ना अपनी चेहरा जब पहली दफ़ा शीशे में देखा था तो मुझे रोना आ गया कि ये मैं हूँ कहते हैं मुझे तो खुद नहीं पता था जब उन्होंने ओबियसली जब शुरू में रखा हुआ था तो बड़ा एक छोटे से बंद कमरे में अंधेरा बिल्कुल और आपको पता है वो टॉर्चर टेक्निक्स जो होती हैं कि मुसलसल अंधेरा रखना या बहुत ज़्यादा रोशनी कर देना या फिर तंग करने के लिए दीवारों में सुराख होल्स लगा देना ताकि उनकी आँखें चकराएँ इस तरह की तो बेहतरीन जो है ना उनके पास टेक्निक्स होती हैं इंटेरोगेशनस बारह बारह चौदह चौदह घंटे करना तो ये सारी टॉर्चर टेक्निक्स होती हैं इंटरनेशनली रिकगनाइज हैं और ये आउट लॉर्ड हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान ने तो ट्रीटीज़ भी साइन की हुई हैं लेकिन बहरहाल इनकी कॉन्सटेंटली वाइलेशन भी हुई हैं और इन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं लेकिन अब मैं कहती हूँ कि इतना अर्सा गुजर गया है Nine में वाला बयानिया भी दफन हो गया अब तो इन लोगों को एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाना चाहिए क्योंकि अब टाइम काफी सुप्रीम हो गया कोर्ट है। में भी वो मामला खैर जब तक साहब तो पता की दाढ़ी बड़ी हुई थी बाल बड़े हुए थे दाढ़ी बड़ी हुई थी बिल्कुल हाँ। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल भी बड़े हुए हुए थे इवन हैदर मजीद के दाढ़ी बड़ी लंबी थी और बाल उसने लंबे किए हुए थे सबके हाल जो है ना वो बिल्कुल बेहाल थे बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब का भी आप बता रहे थे जो पर ब्रिगेडियर साहब भी बिल्कुल लेकिन आपको पता है इन्होंने बख्शा किसी को भी नहीं है अच्छा। इन्होंने चाहे वो सिविलियन हो चाहे इनका अपना रिटायर्ड ऑफिसर हो इन्होंने किसी को नहीं बख्शा इन्होंने, हर एक के, के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जो हमें अंदर से लोग बताते थे वो यही बताते थे कि जो पहले एक दो महीने थे जब इनके वेयर अबाउट्स का किसी को नहीं पता था क्योंकि इनको उठाया और उसके बाद ना किसी कोर्ट में पेश किया ना कुछ गायब थे ये लोग जब ये लोग गायब रहे तो उस दौरानिए में इनको तंग किया गया और बहुत तंग किया गया ये खुद मा, 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 मारा गया टॉर्चर मतलब किया मतलब मेरा एक क्लाइंट बताता है कि वो ना उसको ये प्रेशराइज कर रहे थे कि आपने जुडिशियल कन्फेशन करना है मैजिस्ट्रेट के आगे जाके हाँ। वो अड़ गया था वो कहता है मैंने देना ही नहीं है अच्छा आप सोचें कि वो उसने जब ये तहिया कर लिया पठान था उसने कहा मैं दूंगा ही नहीं कन्फेशन तो फिर उन्होंने उसको वाटर बोर्डिंग एक बड़ा घनोना एक होता है टॉर्चर टेक्निक के वो आपको लटाते हैं आपके मुंह पे कपड़ा होता है और गर्म या ठंडा पानी आपके ऊपर डालते हैं ताकि आपकी गैगिंग होए और आप सफोकेट करके मरो तो उसके साथ कहते हैं कि मेरे ऊपर तो वो पानी डालते गए फिर मैंने जाके और उसके बाद फिर वो कहते हैं मेरे नाखून निकालने वाली जब वो लेकर आए तो फिर कहते हैं मैंने नाखून ही निकलवाने अपने कहते हैं उससे पहले मैंने हर किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त कर लिया मारे जिसम पे हर जगह पाऊँ के नीचे टॉर्चर इन्होंने मेंटल, फिज़िकल हर तरह का बर्दाश्त किया है हसान कहता है कि मेरे पर फिज़िकल कम हुआ है मेरे पर मेंटल ज़्यादा था मुझे उन्होंने जहनी तौर पे बहुत दबाव डाला बहुत तंग किया इंटेरोगेशन कर रहे हैं तो खड़े रखेंगे चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह घंटे बैठने नहीं देंगे इस तरह अजियत देंगे मेंटली टॉर्चर करेंगे घंटे खड़े खड़े रखने हैं और अगर बैठ गए हो तो बैठे रहने एक ही पोजिशन में वो स्ट्रेच पोजिशन होती है आपको वो स्ट्रेस करने के लिए बेसिकली हाँ, हाँ। आपको एक ऐसी पोजिशन में रख कर देते हैं कि आप इवन दीवार के साथ भी नहीं लग सकते आप टेक नहीं लगा सकते कहीं हाँ बेस आप इसी एक पोजिशन में हो गए अगर आप आके हिलोगे तो आपको मारेंगे उसी पोजिशन में वापस खड़े सीधा खड़े होने हैं

उसके बाद इनको इनके ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ उस तरीके अच्छा। से लेकिन ऑब्वियसली एक कन्फाइनमेंट में रखना और मिलिट्री कैद में रखना ही एक तरह से टॉर्चर है मैं तो कहूँगी लेकिन फ़िज़िकली इनको नहीं तंग किया गया उसके बाद उसके बाद इनका तंग करने का तरीका जो है वो ये था कि जो फैमिलीज़ बोलती हैं जो फैमिलीज़ आवाज़ उठाती उनके मुंह बंद कराने के लिए उनकी मीटिंग्स कैंसिल कर दी जाती हैं उनको बोला जाता है कि नहीं आपने आवाज़ क्यों उठाई थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी अब आपकी अगले हफ्ते की मीटिंग हम कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से उनको तंग किया जाता है लेकिन फिर भी फैमिलीज बड़ी दिलेर हैं आप सोचें ये बेचारे गरीब लोग हैं जो कोई कोई कोहाट में रहता है किसी की फैमिली पढ़ने के लिए यहाँ बच्चा आया हुआ था बेटा आया हुआ था मतलब बेचारे बहुत ही बहुत ही गरीब लोग क्या समझती हैं अंकल अंकल का किस अंकल के ऊपर कोई मुझे नहीं लगता अंकल को कोई प्रेशर डाल सकता है किसी चीज़ का भी क्योंकि अंकल अंकल के पॉलिटिकल व्यूज़ बड़े डिफरेंट हैं उनके बेटे के बड़े डिफरेंट हैं और यही आई थिंक जमहूरियत की खूबसूरती है हाँ। कि वो दोनों एक ही घराने के लोग हैं हाँ। लेकिन इतने माइंड और इतने पोलिटिकल व्यूज़ डिफरेंट हैं लेकिन बाप बेटे हैं बेलॉस मोहब्बत है और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं लेकिन सियासी नज़रिया डिफरेंट है तो आई थिंक इसमें कोई गलत बात भी नहीं है उनका अपना है जितना भी नहीं अंकल बहुत परेशान रहते हैं आप सोचें अपने बेटे के लिए जब इन्होंने मीटिंग्स बीच में बिल्कुल बंद करनी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके जजेस को उन्होंने जब इंसाफ के लिए पुकारा था ना वो रो पड़े थे उन्होंने कहा मुझे रातों को नींद नहीं आती आप एक बाप से पूछें कि उस बाप का क्या हाल है जिसके बेटे को इन्होंने इतने बुरे तरीके से जो है मिलिट्री हिरासत में पिछले पंद्रह माह से रखा हुआ है तो आप सोचें ये सारे लोग ना इनके फ्यूचर्स तबाह हो गए हैं इनकी ज़िंदियाँ तबाह हो गई हैं क्योंकि ये मैंटली भी ख़त्म हो गए हैं ये अपने आप को अगर ये कहते हैं ना जब हम उधर जाते होते थे मिलिट्री कोर्ट्स में तो ये उस वक्त तो बड़े दिलेर होते थे कहते थे इमरान खान जिंदाबाद खान साहब का सुनाओ हम इनसे केस के बारे में पूछ रहे होते थे अपनी डिटेल्स बताओ के कहते थे नहीं नहीं केस के बारे में ना हमसे पूछो हमें बताओ बाहर क्या हो रहा है इलेक्शन कब हो रहे हैं ख़ान साहब का का क्या हाल है मैं कहती थी क्या मतलब वहाँ पर उनका ये मशहूर है कि एक बंदा जो है वहाँ पर रोज रात को नारे लगाते हैं खान साहब के आप सोचें ये मिलिट्री कस्टडी में हो रहा है ये नारेबाजियाँ उनके वहाँ हो रही हैं लेकिन उनकी लिविंग कंडीशन जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप जिंदगी नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता इनको रिहेबिलिटेशन की शदीद ज़रूरत होगी इनको सोसाइटी में वापस लेकर आने की कुछ तो बहुत तगड़े हैं कुछ तो जिसना हसान न्याजी हो गए आ, हसान न्याजी हैदर मजीद हो गए ये तगड़े हैं ये सियासी इनका जो है ना वो इनको स्ट्रॉन्ग रखते हैं इनकी विल पावर इस तरह है कि ये खड़े रहेंगे लेकिन जो बाकी बेचारे गरीब घरानों के लोग हैं ना है। वो बिल्कुल मारे गए बिल्कुल अच्छा इन लोगों से ये निकलवाना क्या चाह रहे हैं और फिर साथ ये बता दें कि हसान न्याजी साहब की एक वीडियो तो खैर सोशल मीडिया पर मौजूद है कि कोर कमांडर की वर्दी डंडा उन्होंने उठाया हुआ है और वो उस डंडे के ऊपर मौजूद इस चीज को कैसे डिफेंड किया जा सकता है कि इसके बारे में हसान न्याजी ने कभी बातचीत की है कि वो वर्दी कैसे उन तक पहुंची थी अच्छा जो ये आपने एक सवाल किया ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आप सोचें कि नाइन्थ मे का इन्होंने पूरा बयानिया बनाया ठीक है कि अटैक्स हुए और सारा कुछ हुआ बिल्कुल हुआ हम ये नहीं कहते कि ये आपने बिल्कुल झूठा अटैक्स हुए वहाँ पर लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि जो अटैक्स हुए ऑन द फेस ऑफ इट उसकी एविडेंस होती है ना उसकी सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस एक जगह की तो वो कहें हम मानने को भी तैयार हैं कि जी डिलीट हो गई या जल गई वो सारी 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 जगहों की 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 प्रोहिबिटेड एरियाज एरियाज या आर्मी की, उन सारी सारी गायब हो तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो मेन एविडेंस एविडेंस था प्राइम के कौन कौन कर है जिससे भी क्लियर होती कि हाँ, ये बंदा अंदर जा रहा है होते हाँ, जुर्म नहीं करना चाहिए तो हमारी अदालतें क्या मौजूद नहीं हैं हमारी हाँ। हमारी जो ऑर्डनरी कोर्ट्स हैं क्या हमारी एग्जेक्टिव जो हमारी फ़ौज है वो हमारी आम अदालतों पर ट्रस्ट नहीं करती क्या उनके बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि ये इनको इंसाफ़ नहीं फराम कर सकेंगे या इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा सकेंगे तो हमारा तो बुनियादी सा ये सवाल है कि या तो हमारी अदालतें बिल्कुल ही बेबस हैं।, हैं।, हैं और वो फारिक हैं वो किसी को सज़ाएं नहीं दे सकती इसलिए इन्होंने ये एक लोगों को इकट्ठा कर लिया क्योंकि इनको अलग करने की कोई वजह नहीं समझ आती अब हसान न्याजी का जहाँ तक आपका सवाल है ये जब भी मैं पोस्ट करती हूँ ट्विटर पे तो लोग बड़ा जो है ना यही करते हैं मेरी पोस्ट के नीचे आके यही वाली वीडियोस की लगा देते हैं और सारा आप ये देखें कि हसान न्याजी फंस जाता है अक्सर इसी तरह की चीज़ों में वो वर्ड़ी थोड़ा वर्ड़ी सा जज्बाती है वर्दी उसने पकड़ी भी नहीं थी वर्दी पीछे किसी और ने पकड़ी हुई थी और किसी ने लाकर दी किसी ने नहीं, नहीं नहीं उससे पकड़ी भी नहीं थी वो बस पीछे से कुछ देख रहा था कि पता नहीं क्या है जो भी उसने वो किया वो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कहते कि आपने एक होता है ना एक जुर्म होता है अच्छा। उसकी जो सजा होती है वो हमेशा कमेंसूरेट करनी चाहिए उस जुर्म की इंटेंसिटी के साथ कि मतलब अगर आपने चोरी की है तो आपको चोरी की सज़ा मिलनी चाहिए अगर आपने कत्ल किया तो आपको कत्ल की सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को पिछले पंद्रह माह में सॉलेट्रिक कन्फाइनमेंट में रखना अजियत देना क्या ये इतना बड़ा जुर्म था क्या ये कोई दहशतगर्द थे क्या इन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करके आए थे यहाँ पर मुफ्त जलाने के लिए हमने तो बहुत सारों को बहुत बड़ बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया लेकिन ये बताएं कि क्या इस वीडियो के हवाले से ये जो ऑन द फेस जो चीज़ मीडिया में चलवाई गई या चलाई जा रही है आज तक आपकी कभी इस वर्दी के हवाले से हुई डायरेक्टली हंसान से कि यह क्या था

ऑफ़ द सीन था हमें कुछ पता नहीं था कहाँ पर है क्या है तो ये पर्टिकुलरली टू द वीडियो जो वायरल की गई और हुई भी आ, इसके बारे में मेरी उससे बात नहीं हुई लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि हसान न्याजी थोड़ा सा जज्बाती है और वो खुद भी मानता है इस चीज़ को लेकिन उसकी नीयत कभी बुरी नहीं होती ठीक है उसकी कभी उसका ये नहीं होता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी के लिए बुरा सोचे या किसी के लिए कुछ गलत करे ऐसा वो फंस जाता है बिकॉज वो इमरान खान का भांजा भी है तो उसको क्या देना चाहती है? ये इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे देखिए जो पैगाम देना था वो तो मुझे लगता है उन्होंने दे दिया है की जी हम एग्जाम्पल सेट करेंगे हम इन लोगों को अंदर रखेंगे अदालतें कुछ नहीं कर पाएंगी सुप्रीम कोर्ट से देखें ना एक साल तो हो गया केस लटका हुआ है एक फाइव मेंबर बेंच ने एक सौ वन फोटी फ़ाइव की ालिबा जजमेंट है जिसमें बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते सेक्शन थ्री जो उन्होंने लगाया हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मिलिट्री आर्मी एक्ट का लगाया हुआ है इन्होंने वो सारों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इलीगल अल्ट्रा वायरीज द कॉन्सिट्यूशन डिक्लेये डिक्लेयर कर दिया तो जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद अब क्या चल रहा है इंट्रा कोर्ट अपील और इंट्रा कोर्ट अपील में हर दफ़ा मेरिट पर बात ही नहीं होती बात ही जो है ना कभी किसी की कभी इंडिविजुअल केसेस की बात हो रही होती है अच्छा इन बीस का पता है इनका क्या बनना अच्छा और कितनों को छोड़ना है मेरिट पे अगर ये उठाया जाएगा तो मेरिट पे तो ये डिसाइड होएगा और इलीगल डिक्लेयर होएंगे और जो नीचे वाली जो फाइव मेंबर बेंच की जजमेंट है वो अपहोल्ड होएगी क्योंकि वो बड़ी अच्छे तरीके से वो ऐसी तगड़ी जजमेंट है कि उसको सेट सेटिसाइड नहीं किया जा सकता लेकिन वो कब होएगा वो हमने देखना है उसका फ़ायदा कोई होगा कि नहीं होएगा जो उन्होंने मैसेज देना था कि जी हम इनको निशानब्रत बनाएंगे और वो अपने ही लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए ये हमारे मुहब वतन लोग हैं इनसे कभी मिलकर देखें इनसे कभी पूछ कर देखें इनके अंदर इंसानियत का कितना जज्बा है इनके अंदर कितनी इंसानियत है और ये किस कदर काम और मेहनत कश लोग हैं ये उस तरह के लोग हैं जो अपने सेल्फ मेड लोग नहीं होते खुद मेहनत करके पहुंचे हैं कहीं पर तो आई थिंक इन लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो रिलीफ मिलना चाहिए बहुत हो गया है इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब उनका मामला है वो देख सकते हैं तो डू यू थिंक सो कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट या ऐसी कोई सोच मौजूद देखिए वैसे तो न, लीगली तो बिल्कुल कोई अब जवाज नहीं बनता बिकॉज जो ये तो मेलाफीडे ही है ना कि पहले इतने केसेस में सारे केसेस जो हैं वो ऑर्डनरी कोर्ट चला रही हैं अब आके उनको आउट ऑफ आउट ऑफ ब्लू उनको याद आए कि जी अब मिलिट्री कोर्ट्स में भी उनको लेकर जाना है तो ये तंग करने का तरीकाकार हो सकता है लेकिन ये इन द लॉन्ग रन ये नहीं सस्टेन करेगा इन द हायर कोर्ट्स और आई थिंक ये एक और भी मैसेज है टू द पब्लिक कि आप लोग ये 105 लोगों के लिए अगर बेहतरीन तरीके से आवाज़ उठाते और इन लोगों के लिए इन लोगों के लिए एक ज़रिया बनते कि इनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट होती है और ये बाकायदा तौर पे मैसेज जाता कि मिलिट्री हम सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स Uh, को एक्सेप्ट नहीं करते एट एनी कॉस्ट तो फिर आज इमरान ख़ान के मिलिट्री ट्रायल का सवाल भी ना उठता दिखाई ये कमज़ोरी दिखाई है बिल्कुल दिखाई है ये आज भी फैमिलीज रोती हैं कि हमें पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं पूछा हमें किसी ने आके नहीं पूछा तो आई थिंक ये तो बिल्कुल एक आ, आ, बिल्कुल उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि पहले ये छियासी लोगों की भी सजाएं पूरी होंगी जैसी ये निकलने लगेंगे तो फिर इमरान खान को हम पिक्चर में ले आएंगे तो उन्होंने एक तरह से टेसेट तो दे दिया ना कि उन्होंने खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी ये मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं ये होते रहेंगे तो फिर ये कंटिन्यूएशन चलती रहेगी चलती रहेगी उसके साथ साथ एक और चीज बताएंगे डू यू थिंक सो कि अगर अगर ये वैसे एजिटेट करते सड़क पर आते प्रोटेस्ट करते करते प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते इवेंट्स रखते सेमिनार करते उससे फर्क पड़ जाना था आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ना था बिकॉज yeah. अगर हम हमने किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात yeah. करनी हमने सिर्फ ये है कि मिलिट्री ट्रायल्स आर्टिकल टेन ए की जो हमारा आइन है उसकी वायलेशन है हमने सिर्फ ये कहना है कि इन्होंने कानून साजी की अठारह अगस्त दो हजार तेईस को वकुए के बाद कानून तब्दील किया और रेट्रोस्पेक्टिवली सजा दी हमने सिर्फ लीगल पॉइंट के ऊपर अपना वो कहना है कि जी ये गलत और है ये नहीं होना चाहिए आपने अगर सजा देनी थी तो आपने वो उसी सजा उसी के ऊपर देनी थी जो उन्नीस सौ तेईस का एक्ट था आपने दो हजार तेईस में उसमें अमेंडमेंट करके रेट्रोस्पेक्टिवली आप दे ही नहीं सकते ये फौजदारी कानून के ही खिलाफ खिलाफ वर्जी है तो हमने तो सिर्फ उनको ये बताना है कि अगर लॉ फॉलो नहीं हो रहा तो सजा नहीं हो सकती ठीक है ठीक है अब साथ साथ आखिर में ये बता दें कि ऑन अली खोसा और बहुत सारे और, और लोग जो उठाएंगे उनके हवाले से भी आपकी एक ओपिनियन मौजूद है ये जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस है जबरी गुमशुदगी है कितना बड़ा इन ह्यूमन एक्ट है किस लेवल का हीनियस क्राइम है ये किन अल्फाज में आप इन्हें डिफाइन करेंगे देखें आम, ये जबरी गुमशुदगियाँ अगर काम आती होती ना इनसे कोई फ़र्क पड़ता होता तो आज पीटीआई का एक भी सपोर्टर ना होता आज पीटीआई या इमरान ख़ान का एक भी चाहने वाला ना होता सब लोग घरों में बैठ के खामोशी से अपनी ज़बानों पे ताले लगा के चुप करके बैठे होते कि किसी ने कुछ बोलना नहीं है किसी ने कुछ कहना नहीं है अगर बोला या अगर लिखा तो उठा लिए जाएंगे ये ऐसे लोग हैं जो बड़े नडर हैं ये देखें इनका एक अपनी वॉइस है एक पॉलिटिकल वॉइस है जो अभी रीसेंट हमने पिछले दो महीने में जितनी भी लाहौर हाईकोर्ट में हेबियस फाइल की हैं इन बेचारे लोगों का कोई भी कसूर नहीं था माँ सवाए इसके कि ये 2022 में या 21 में ड्यूरिंग पीटीआई गवर्नमेंट ये उनकी उसमें मीडिया सेल में ग्राफिक डिज़ाइनर थे बेचारे गरीब गरीब घरानों के लोग बेचारे कोई एडिटर था हाँ। कोई फोटोग्राफर था इन्होंने उनको उठा के ऐसे रगड़ा और जो बेचारा और नली खोसा उसकी भी मैंने हाईकोर्ट में हेबियस पटिशन फाइल की थी जिस दिन उसका बिल बिल पाकिस्तान गाना जो है वो रिलीज़ हुआ उसके अगले दिन उसको उठाया गया और उसकी अबडक्शन के तीन या चार घंटे के बाद वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट करा दी गई तो पता चल गया कि मकसद यही था कि ये गाने बिल बिल पाकिस्तानी होना चाहिए था ये बड़ा जो है ना वो सवालिया निशान है क्योंकि देखिए अगर आपकी नीयत साफ़ हो अगर आप मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको किसी से डर नहीं होना चाहिए आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए तो जमूरियत का हिस्सा है और अगर आप लोगों में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है थोड़ा सा रहम खाएं ये अपने ही लोग हैं इनके दिलों में इन नफ़रतें ना मोलें इनको अपनी तरफ करने के लिए इनसे थोड़ा प्यार और मोहब्बत से पेश आएं नाइन्थ में हो गया गुजर गया उसको पंद्रह महीने हो गए हैं जो भी था उसके ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्टों में कोर्ट्स कोर्ट बैठी हुई है इंसाफ करने के लिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ इंसानों के साथ गैर ये, इंसानी सलूक करें ये आपने किसी मेजर कर्नल से की है जब जब ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलिट्री कोर्ट्स में आप जाते हैं कि आगे बढ़े नहीं इस तरह की को तो कोई बात नहीं की क्योंकि वहां पर एक बड़ा सीरियस माहौल होता है और वहां पर यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स में इवन दो उनके जितने भी जैक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे और सारे बड़े रिस्पेक्टेबल और बहुत ही इज्जत के साथ के मैडम मैडम वाहिद मैडम होती थी तो मैडम के लिए अंदर ऑफिस खुल जाता था मैडम अच्छा। को वहाँ चाय भी मिलती थी वो मसाला नहीं था बिल्कुल उन्होंने इज़्ज़त से रखा लेकिन फिर भी मेरा वो एक रहता था कि भाई आप लोग ट्रायल सही नहीं करें वो लोग बड़े मुतमिन थे कि हम हम सही तरीके से ट्रायल्स करें क्योंकि देखिए वो लेमेन परस्पेक्टिव है।, है अगर आप बैठ के ट्रायल करेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये देखो ये वीडियो आ गई है इसके हाल में डंडा है बस इसको सजा दे दो हमने नहीं कुछ और एविडेंस के अलग देखना तो वो फौजदारी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर तरीके से वायलेट हो रहे होते हैं

इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डोर पीके भी फेस कर रहा है जिसे पाकिस्तान भर में गुजशत कई महीनों से मावरा आयन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है सियासत और पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है तमाम तर कानूनी महाज के ऊपर आवाज उठाई गई दस्तक दी गई लेकिन हर तरफ से खामोशी है सनाटा है कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनने को तैयार नहीं है लेकिन इसका हल क्या है क्या खामोश हो जाए क्या सवाल ना करें क्या मालूमत आप तक ना पहुंचाएं क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं मालूम भी पहुंचेगी इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी सवाल भी उठेंगे लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें हमारा हिस्सा बने हमारी ताकत बने ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज